ढंग से लगा ले, देख रही हूं तुझे, मेरी निगाह तेरे में ही है। पानी बदल लिया? अभी बदला है मम्मी। ठीक है ठीक है, ढंग से लगा ले, मेरी निगाह तेरे में ही है। क्या हुआ मम्मी, कुछ चाहिए? देखने आई हूँ तुझे, क्या कर रही है? और ये मेरी साड़ी की तह ना अच्छे से करियो, क्या गठरी से बना के धर दी है, ध्यान से कर, मेरी निगाह तेरे में ही है। ठीक है मम्मी जी। खाना तैयार है? हाँ जी मम्मी जी। ठीक है, लगा दूं? ना, पहले छत पे जाके देख क्या कबूतरों का दाना पानी खत्म तो नहीं हुआ, और हो गया हो ना तो डाल आना उसमें। मम्मी जी मैंने सुबह ही डाल दिया था, कटोरों में दाना भी और पानी भी। ना देख क्या कभी खत्म हो गया हो। मम्मी जी 2-2.5 घंटे में थोड़ी खत्म हो जाएगा। अगर देख आएगी तो पैर घिस जाएंगे तेरे। अब देख के आती हूँ रसोई में, कहीं इसने अपने लिए कुछ और मेरे लिए कुछ ऐसी वैसी सब्जी ना बनाई है, इसका क्या भरोसा। एक ही सब्जी बनाई है, ये तो ठीक है। अब जाकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो उसे शक हो जाएगा। मम्मी जी कटोरों में दाना भी और पानी भी दोनों भरे हुए हैं। हाँ ठीक है, अब लगा दे। अरे बहू चाय बनिया ना। अब इसे कैसे भेजूं? लगता है इसने अपनी चाय अलग बनाई है और मेरी अलग। अपनी तो दूध में पत्ती डाल दी होगी और मेरी चाय पानी में बनाकर थोड़ा सा दूध डाल दिया होगा। क्या करूं अब? क्या हो मम्मी जी, चाय ले लो, ठंडी हो रही है। हाँ हाँ पी रही हूँ। तो ऐसा कर, तू बिस्कुट ले आ, खाली चाय पीने का मेरा मन नहीं है। ठीक है मम्मी जी। बस क्या टाइम हो रहा है बहू, दूध ले आ, फिर सोना है मुझे। ये लो मम्मी जी। दूध तो बड़ा पतला है, पानी ज्यादा मिला दिया क्या? मम्मी जी जितना आपने कहा था मैंने तो उतना ही पानी मिलाया है। अच्छा, गेट पर ताला लगा दिया? हाँ जी मम्मी जी, मैंने इनको बोल दिया था, इन्होंने लगा दिया। जा तू देख के आ, उसका कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं लगाया भी है या ना लगाया। मम्मी जी मैंने इनसे पूछा था, लगा दिया ताला इन्होंने। अगर एक बार देख आएगी तो कुछ हो जाएगा? मेरे जाकर देखने में तो कुछ नहीं होगा, पर आपको दूध की तसल्ली जरूर हो जाएगी। पक्का रसोई में आएंगी और आकर देखेंगी कि दूध में पानी कितना है। और सुना रेनू? बस मम्मी क्या बताऊँ, और क्या क्या बताऊँ, मैं तो बड़ी परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? मम्मी मैं तो अपने ना सास के बर्ताव से ना इतनी ज़्यादा दुखी हो गई हूँ ना, बस क्या बताऊँ। क्यों, क्या कर दिया उन्होंने? अरे उनके शक करने की आदत से परेशान हो गई हूँ मैं तो। शक करने की आदत?
हाँ मम्मी, मेरी सास है ना, बेवजह मुझ पे शक करती रहेंगी। उन्हें लगता है मैं उनके साथ है ना दो हाथ करती हूँ। दो हाथ मतलब? मतलब मैं सब्जी बनाऊंगी ना तो उनको लगेगा ना मैं अपने लिए तो अच्छी सब्जी बना रही हूँ और उनके लिए बेकार बना रही हूँ। अब कपड़े धोऊंगी तो उनको लगेगा मैं अपने कपड़े तो साफ पानी में धोती हूँ और उनके गंदे पानी में धोती हूँ। यहाँ तक कि मैं चाय भी बनाऊंगी ना तो उनको लगेगा ना अपनी तो मैं दूध वाली बना रही हूँ और उनके ना पानी वाली बना दी है। अब मम्मी आप ये बताओ मैं ऐसा क्यों करूंगी? आखिर मैं उनकी बहू हूँ और वो मेरे सास हैं। अरे जितना घर उनका है उतना मेरा भी तो है। आखिर मैं अपने घर के लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं क्या, मुझे तो लगता है कोई भी ऐसा नहीं करेगा। अब बताओ मम्मी आप कभी सोच सकते हो भाभी के लिए ऐसा? लगता है इसने अपनी चाय अलग बनाई है और मेरी अलग। दूध तो बड़ा पतला है, पानी ज्यादा मिला दिया क्या? अब देख के आती हूँ रसोई में कहीं इसने अपने लिए कुछ और मेरे लिए कुछ ऐसी वैसी सब्जी ना बनाई हो। हाय फ्रेंड्स, आज की जो ये कहानी है मेरे एक व्यूवर्स ने भेजी है। उनका कहना है कि उनकी सास उनके हर काम में उनकी हर बात पे उन पर शक करती है। वो उनकी इस आदत से बहुत परेशान हो चुकी है। अगर आप उनकी मदद करना चाहते हैं तो आप बताइए कि उनको क्या करना चाहिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।